इसराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली मीडिया से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजरायली फौज अब रफा में अपना ऑपरेशन समेटकर सारा ध्यान हिजबुल्ला से निपटने के लिए उत्तरी बॉर्डर पर लगाने जा रही है। लेकिन इस सब के बीच गाजा के अलग अलग हिस्सों में इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और इसकी धुरी रफा शहर बना हुआ है, जहां पर हर रोज इजरायली सैनिक मौत के मुंह में समा रहे हैं। जी हां, ताजा मामला रफा का है, जहां पर हमास की सैन्य शाखा अलकासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ के लिए एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें ना चाहते हुए भी इजरायली सैनिक आकर फंस गए और उनका काम तमाम हो गया। दरअसल पश्चिमी रफा की एक बिल्डिंग में अलकासिम ब्रिगेड ने बूबी ट्रैप यानी बारूद बिछा दिया था और इस बिल्डिंग का इस्तेमाल पहले स्नाइपर ऑपरेशन के लिए किया गया था, लेकिन अलकासिम के लड़ाकों ने बारूद से भरी इस बिल्डिंग में इजरायली सैनिकों को बुला लिया और फिर इसे धमाके से उड़ा दिया। अलकासिम ब्रिगेड का कहना है कि जैसे ही आईडीएफ के जवान इस बिल्डिंग में घुसे वैसे ही जोरदार धमाका हुआ जिसमें आईडीएफ के जवान मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। इसके अलावा अलकुस ब्रिगेड ने दूसरी तरफ मोर्चा संभालते हुए गाजा के आसपास बने इजरायली सेटलमेंट्स किसुफिम, थर्ड आई, निरिम, सुफा और होलित पर रॉकेट्स का एक बड़ा जत्था फायर कर दिया। बताया जा रहा है कि इस साल्वो में करीब 20 रॉकेट्स थे जिसकी वजह से थर्ड आई और किसुफिम सेटलमेंट में हवाई हमलों के सायरन बज उठे। ठीक ऐसे ही नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड ने कफल मशरू इलाके पर हमले का दावा किया है जो रफा के पूर्वी इलाके में स्थित है। वहीं इस ब्रिगेड के साथ अलक्सा ब्रिगेड ने भी रफा सेक्टर में एक बड़ा हमला किया है। अलक्सा ने स्वीडिश विलेज के आसपास रॉकेटों का एक जत्था फायर किया, साथ ही 60 कैलेबर मोटर गोलों से बमबारी भी की। आपको बता दें कि इन हमलों के बीच दक्षिणी और उत्तरी गाजा को विभाजित करने वाले नेटजरी मैक्सिस पर भी हमास के लड़ाकों ने एक बड़ा हमला किया है। यहां पर हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के गैर फटे बमों को जवाबी हमले के लिए इस्तेमाल किया। इसको लेकर लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मयादीन का कहना है कि सुजाया इलाके में अभी भी हमास और आईडीएफ के बीच भीषण जंग चल रही है। एजेंसी का कहना है कि ऐसा लगता है कि सुजाया में हमास के लड़ाकों ने खुद को पहले से ही इस हमले के लिए तैयार कर लिया था।